तो देखो यार, सबसे पहले मैंने तुम लोग को बताया हुआ था कि मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ रॉब्सी के ऊपर पे, तो वीडियो आ चुकी है। एंड जिसने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या तुम तो मेरे चैनल के ऊपर पे जाके देख सकते तो हो। चलो तो वीडियो के ऊपर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एमसी स्टैन की। तो तुम लोग को पता होगा कि एमसी स्टैन भाई अभी बिग बॉस के अंदर गए हुए, एंड पहला दिन ही भाई ने पंगा कर लिया। देखो यार, किस किस लोगों ने बिग बॉस देखा यार, जरूर से बताना, क्योंकि देखो यार इस बार अगर मैं बिग बॉस देख रहा हूँ तो उसका वन एंड ओनली रीजन है हमारे एमसी स्टैन। उसी के साथ ही तुम लोग को पता होगा एक ऐसा क्रिएटर या फिर ऐसा ड्रामेबाज बंदा जिसने बहुत सारा ड्रामा करा था बिग बॉस में जाने के लिए, पर उस बंदे को बिग बॉस वाले ने घास तक नहीं डाली। तुम लोग साथ से समझ गए होगे, वही अपना हाथ वाला योजुगिंदर था रा भाई, जोगिंदर। तो अभी जोगिंदर ने स्टोरी डाली है ट्रोल करते हुए, किसको? तो एमसी स्टैन को। मतलब समझ रहे हो तुम? अरे 1 महीने से ऊपर बिग बॉस घर के अंदर रह गए तो नाम बदल देना, थारा भाई जोगिंदर का। ये आइला महिला 80 किलो इनका वजन नहीं, 80,000 के जूते पहनते हैं, शेरों का सो है बिग बॉस। लेकिन देखो यार, यहाँ पे जो हमारे जोगिंदर भाई है वो तो बात कर रहे हैं शेर की, लेकिन यार जोगिंदर भाई आप तो लोमड़ी हो, तुम शेर कब से बन गए? देखो यार, जोगिंदर भैया हमारे इतने चालाक है कि आज की डेट में अगर हमारे आचार्य चाणक्य जो थे वो अगर जिंदा होते ना, तो वो भी एक बार को जाके जोगिंदर के पास ट्यूशन क्लासेस ले लेते। क्योंकि तुम खुद देखो यार, ये बंदा जिसने अपने करियर की स्टार्टिंग टिकटॉक के थ्रू करी थी, एंड उसके बाद ये बंदा इंस्टाग्राम रील के ऊपर पाया, फिर इसने यूट्यूबर्स के साथ कॉन्ट्रोवर्सी करी, एंड आज की डेट में खुद एक यूट्यूबर बना फिर रहा है। इतना ही नहीं, इस बंदे ने अपनी बेइज्जती दीपक लाल से कितनी बार इंस्टाग्राम लाइव पे आके करवाई हुई, एंड तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। एंड उसके बाद ये बंदा आज के डेट में यूट्यूबर बनने के बाद यूट्यूबर्स का सपोर्ट करते हुए रैपर जो है अपने हिप हॉप के जो रैपर्स कृष्णा एमवे इनको डिस करता है। अब देखो यार, ये चीजें तो थोड़ी सी है, जोगिंदर भैया इतने टैलेंटेड है कि पहले ये टिकटॉकर हुआ करते थे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेड होकर इंस्टाग्राम रीलर बने, एंड उसके बाद यूट्यूबर बने, एंड आज की डेट में अपने आपको हिप हॉप, हाँ सही समझ रहे हो तुम, हिप हॉप का किंग मानते हैं, हिप हॉप के अंदर आके तबाही लेके आते हैं डिस ट्रैक के थ्रू। अब देखो यार, हमारे जोगिंदर भैया इतने टैलेंटेड है कि उनको देख के एक बार को हमारे फ्लाइंग बीस्ट भैया भी शर्मा जाए। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, नो हेट जोगिंदर भैया, आपको भी बहुत सारा प्यार, एंड एमसी स्टैन आपको तो है ही। देखो यार, इस पार्ट को तुम मिस मत करना, ठीक है? अब तुम लोगों से मैं एक बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन करने वाला कि तुम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड जरूर से देखा या नहीं देखा, जरूर से बताना। एंड एमसी स्टैन ने जब उससे पंगा करा था यार, वो क्या मतलब मजा आ गया देख के। एंड देखो यार, अगर एमसी स्टैन से कोई बंदा पंगा कर रहा है तो वो सोच समझ के करता है। इंडियन हिप हॉप के अंदर अपने हिप हॉप में भी जो बंदे हैं ना, वो भी एक बार को उससे पंगा लेने से डरते हैं, क्योंकि जो उसकी ऑडियंस है ना यार, और उसकी क्या यार, अपनी जो हिप हॉप की ऑडियंस है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर एक नॉर्मल बंदा जो हिप हॉप से नहीं है उससे अगर भिड़ गई ना, तो भाई उसका जीना हराम कर देगी। उसके बाद वो क्या नाम था, एक बंदा आके उसे बोलते नहीं है ये रैपर है, ऐसी बात करता है यार, मजा आ गया सुन के। क्या बात है, तुम में से कितने लोग बिग बॉस देख रहे हो इस बार का एमसी स्टैन की वजह से, एंड कैसा लग रहा है तुम लोग को जरूर से कमेंट करके बताना। देखो यार, अगर तुम हिप हॉप को सच में फॉलो करते हो ना, तो तुम लोग को पता होगा कि आज किस रैपर का बर्थडे है, एंड वो काफी ज्यादा फेमस रैपर है, तो जरूर से कमेंट करके बताना तुम। एंड ये तो पता ही होगा कि कल 4 अक्टूबर है, एंड तुम लोग को अगर नहीं पता तो 4 अक्टूबर का हमारे कृष्णा भाई का बर्थडे भी आता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। देखो यार, कृष्णा भैया को अपने बर्थडे से कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, लेकिन हमें तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि कल उनका कोई गाना आने वाला है। देखो यार, कृष्णा का जो डिस्ट्रैक्ट आया हुआ था मचाएंगे फोर, उसके बाद से अभी तक कृष्णा का कोई भी हमें ट्रैक देखने को नहीं मिला हुआ है। एक कॉलैब ट्रैक आया था, वो भी ब्रदवी के चैनल पे, ब्रदवी के साथ में। देखो यार, मचाएंगे फोर के आने के बाद से कृष्णा भाई ने अपने चैनल के ऊपर पे कोई सा भी ट्रैक नहीं निकाला है, तो आई होप कि कल उनका बर्थडे है तो निकाल दे कल वो कोई सा गाना। एंड वहीं हम अगर दूसरी तरफ बात करें तो एमवे अभी तक अपने चैनल के ऊपर पे डिस वॉर के बाद से 8 गाने निकाल चुका है। अब क्या मतलब कि कृष्णा ने बोला हुआ था मेरा एक गाना तेरा 8 के बराबर, बात तो सही है। अब देखो यार, मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर तुम लोग का पूरी लाइन याद है तो जरूर से कमेंट करके बताना। उसी के साथ ही अभी किंग से क्वेश्चन किया हुआ था उनके इंटरव्यू में कि आपका कॉम्पिटिटिव कौन है, तो उससे रिलेटेड ही। तो देखो यार, किंग ने क्या जवाब दिया, हु डू यू सी एज योर कॉम्पिटिटर इन द सीन, आप किसको मानते हो अपना कॉम्पिटिटर? यार ये तो हर बात बोलेगा कि कोई किसी को कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखता, मैं भी वही बात बोलूंगा, बट आई हैव अ गुड आंसर टू दैट ऑल्सो एडिंग ऑन। कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं मेरी शायद लेन अलग है यार, मतलब आप मुझे जानते हो किसी अलग तरीके से, तो जब मेरी आइडेंटिटी मैंने अलग तरीके से बना ली तो जब आप किसी और को फिट इन नहीं कर पा रहे हो वहाँ पर तो कंपटीशन है ही नहीं, जिस दिन किसी को फिट इन कर पाए उस दिन। तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। तुम में से मेरे से अगर कोई बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तुम्हें लिंक मेरे इंस्टाग्राम की, वहाँ पे आके मेरे को फॉलो कर लो, मेरे से बात कर लो, रॉब्सी के ऊपर वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। इसके लिए बस यही बोलूंगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।